फ्रेंड्स, ये मेरा कॉकटेल का केज है। यहाँ पे मैंने एक पेयर कॉकटेल रखा हुआ है जो कि येलो कलर में है, और आप देख सकते हैं मेल जो है वो हांडी के ऊपर बैठा हुआ है एंड फीमेल जो है अंदर है। तो मैं आज इनको जो है दिखाता हूँ मैं इनको क्या क्या देता हूँ खाने में। तो ये सीड मिक्स है, आप देख सकते हैं, इसमें बाजरा है, इसमें काकुन है और राई के दाने हैं येलो येलो, और इसमें अलसी और तिल भी है थोड़ी थोड़ी सी। तो ये सीड मिक्स देता हूँ जो इनको काफ़ी पसंद है और ये इसको रेगुलर खाते हैं। ये पानी का बाउल है जिसमें कि ये पानी पीते भी हैं और नहाते भी हैं, डेली सफाई करना पड़ता है इसको मेरी। और ये देखिए मैंने हरा पुदीना दिया है इनको, जो भी ये बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है, ये गर्मियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और साथ में ये भीगे हुए चने हैं, चने भी इनको काफ़ी पसंद होते हैं और अच्छी तरह से खाते हैं क्योंकि चने जो है काफ़ी पौष्टिक होते हैं। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इधर ये समुद्र फेन है, ये सेंधा नमक है और ये काला चारकोल है, इसको भी ये लोग काफ़ी इससे खाते हैं। इसके साथ साथ ये मैंने एक कैल्शियम ब्लॉक लगाया हुआ है, कैल्शियम ब्लॉक जब इनको जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये खा लेते हैं परचेस के ऊपर बैठ के अपने। और मैं आपको दिखाता हूँ नेस्टिंग बॉक्स या हांडी, इसमें क्या प्रोग्रेस है। आप देखें इसके अंदर अभी 2 eggs थे, अभी हालांकि विजिबल नहीं है क्योंकि ये फीमेल ने दबा रखे हैं, अब शायद दिख रहे हैं। ये देखिए अब तो मेरे ख्याल से 3 eggs हो गए हैं, ये दिखाता हूँ। हाँ, 3 eggs हैं। उस दिन इसने फीमेल ने एक एक यहाँ बाहर दे दिया था पिंजरे में के अंदर ही, तो नीचे पड़ा हुआ था, मैं उसको उठा के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हाथ से छूट के गिर गया और टूट गया वो हालांकि। तो 3 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, देखिए आगे क्या होता है, इनमें से कितने फर्टिलाइज होते हैं और कितने अनफर्टिलाइज, क्योंकि मेरे को पिछली बार का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इसने 4 eggs दिए थे और 4 eggs ख़राब हो गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उसमें से शायद 1 या 2 फर्टिलाइज भी थे लेकिन वो सूख गए, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से या जिस वजह से भी हो। हालाँकि इस वक्त भी गर्मी बहुत है, लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कि इनकी ब्रीडिंग आप करवाएँ, लेकिन मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल करके कि होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दूसरी तरह की चिड़ियों ने भी घोंसले बना रखे हैं अगर आप देखें, और वो लोग भी रेगुलर अपना ब्रीडिंग कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कॉकटेल कर सकता, तो इसलिए मैंने इनको ये करने के लिए दिया हुआ है। मतलब इनका नेस्टिंग बॉक्स जो है, हांडी जो है, हटाई नहीं है। ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं कि नेस्टिंग बॉक्स हटा देना चाहिए 2-3 महीने जब तक गर्मी हो। खैर देखते हैं और आगे मैं अपडेट आपको देता रहूँगा इसके रिगार्डिंग। थैंक यू। और दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आपको और ज़्यादा बेहतरीन जानकारी दे सकूँ।